दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली को जल्द ही नए चीफ सेक्रेटरी मिल सकते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सहमति मांगी है। नरेश कुमार की जगह पीके गुप्ता को मुख्य सचिव बनाने का प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने भेजा है। पीके गुप्ता 1989 बैच के सीनियर IAS अधिकारी हैं। वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो आपको बता दें कि वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। नरेश कुमार 1987 बैच के AGMUT यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे नरेश कुमार, उसके बाद वो दिल्ली के बने और अब उनकी जगह पीके गुप्ता ले सकते हैं। इसकी स्वीकृति अरविंद केजरीवाल ने मांगी है। मेरे सहयोगी बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार जो है वो दिल्ली सरकार को मिला है, तो ऐसे में इस आदेश के बाद अब केंद्र की स्वीकृति का इंतजार कर कि कब नया चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को मिले। बिल्कुल, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं दिल्ली के, लेकिन उनको बदलकर पीके गुप्ता को चीफ सेक्रेटरी बनाने का जो प्रस्ताव है वो दिल्ली सरकार ने LG के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर जब सहमति मिल जाएगी तो उसके बाद दिल्ली के नए जो चीफ सेक्रेटरी होंगे वो पीके गुप्ता होंगे। हालांकि पीके गुप्ता की अगर हम बात करें तो उन्हें काफ़ी लंबा प्रशासनिक अनुभव है और ख़ास तौर से उन्हें दिल्ली का सबसे ज़्यादा अनुभव है क्योंकि वो दिल्ली MCD में भी कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के कई अहम विभाग भी बड़े पद पर रह चुके हैं, तो ऐसे में दिल्ली के प्रशासन को लेकर के उन्हें काफ़ी लंबा अनुभव है और उन्होंने दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उस पर नियंत्रण दिल्ली सरकार का होगा, तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इस फैसले के बाद से दोराहे पर खड़े हैं, वो ये नहीं सोच पा रहे कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, और कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सचिवालय भी नहीं आए हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच में दूरी है उसको भी पाटने के लिए एक अहम भूमिका पीके गुप्ता निभा सकते हैं क्योंकि अच्छा तालमेल है उनका अधिकारियों के साथ और उन्होंने कई अधिकारियों के साथ काम भी किया है। तो ऐसे में सरकार यही चाहती है कि अगर वो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों और सरकार के बीच में मनमुटाव है वो भी खत्म होगा और जो अधिकारी हैं उनका तालमेल भी अच्छा होगा और दिल्ली में एक अच्छा प्रशासन वो जनता को दे पाएंगे। यही वजह है कि पीके गुप्ता का नाम उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार इस पर सहमति जताती है या नहीं जताती है, ये तो केंद्र सरकार का निर्णय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही पीके गुप्ता के तौर पर दिल्ली को चीफ सेक्रेटरी मिलेगा। बलराम, अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद नई प्रोसेस क्या है, नई प्रक्रिया क्या है किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग की, उसके ट्रांसफर की या उसकी जगह कोई और लेता है तो ऐसे में प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी? दिल्ली सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसके बाद आगे क्या होता है? देखिए, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लिए कानून बना सके, अपने अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके, क्योंकि अगर अधिकारी ये जान जाएंगे कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास अगर उनका नियंत्रण नहीं है तो ऐसे में जो अधिकारी हैं वो मनमाने ढंग से काम करेंगे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसकी वजह से अब दिल्ली में जो प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण है वो दिल्ली सरकार का होगा। लेकिन अगर हम एक प्रक्रिया की बात करें तो दिल्ली सरकार जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी वो सर्विसेज विभाग के जो मंत्री हैं, खास तौर से अगर हम बात करें सौरभ भारद्वाज, उनके विभाग में जाएगा और सर्विसेज विभाग फिर उस अधिकारी का ट्रांसफर करेगा। हालांकि जो मंत्री हैं वो अपने विभाग का ट्रांसफर कर सकते हैं अधिकारियों का, लेकिन उसकी सिफारिश उनको नियमानुसार भेजनी होगी। और जिस तरीके से अगर हम बात करें चीफ सेक्रेटरी के तबादले की तो उसके लिए उन्हें
एलजी के थ्रू केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा और केंद्र सरकार की सहमति उस पर आवश्यक होगी। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने जब एससी को सीएस को बदलने की बात कही तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्रस्ताव एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा और कहा कि जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं उनको बदलकर जो पीके गुप्ता हैं उन्हें मुख्य सचिव बनाने का जो प्रस्ताव है वो भेजा जा रहा है और उस पर उन्होंने केंद्र सरकार की सहमति मांगी है। जैसे ही केंद्र सरकार की सहमति मिल जाएगी उसके बाद दिल्ली के नए जो मुख्य सचिव होंगे वो पीके गुप्ता होंगे और जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत ही दिल्ली सरकार ने ये जो प्रस्ताव है वो भेजा है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर कब मोहर लगाती है। बलराम, क्या ये नियम केवल एनसीटीडी के लिए है यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए है या ये हर राज्य के लिए है कि चीफ सेक्रेटरी के पद पर अगर किसी अधिकारी को आपको ट्रांसफर करना है, उसकी पोस्टिंग करनी है, तो आपको केंद्र से स्वीकृति लेनी ही होती है। ये केवल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है या ये हर राज्य के लिए है या ये केवल दिल्ली के लिए है, ये नियम क्या है? देखिए हार्दिक, अगर बात की जाए तो जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो केंद्र शासित राज्यों में केंद्र सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है, लेकिन जो कहा जाए कि केंद्र शासित राज्य नहीं होते हैं वहां पर चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री बदल सकता है, लेकिन उसका कार्यकाल देखना होता है कि आखिरकार उसका जो टाइम पीरियड है वो कब तक है और एक ठोस वजह होनी चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी को आखिरकार किस वजह से हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी तैनात हुआ और उसके बाद उसको कुछ ही दिनों के अंदर उसको हटा दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ठोस वजह होनी चाहिए कि आखिरकार चीफ सेक्रेटरी का जो तबादला है वो किस वजह से हो रही है और ठोस कारण देने के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को हटाया जा सकता है। ठीक है बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।